Hello dear students of class 4, today I am present here with you to teach you and to solve the practice questions of chapter number 4. Let us move to chapter number 4 now. See, the chapter 4 is human needs. Chapter 4 ka naam hai human needs. अगर आपने इसके पहले के तीन चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, ज़रूर जा कर के देखें और अपनी ओलंपियाड की जो एग्ज़ाम जो हमारी आने वाली है उसकी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर को। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ क्लोथ्स एंड देयर केयर, मटेरियल्स फॉर क्लोथ्स, ट्रेडिशनल ड्रेसेज एंड यूनिफॉर्म्स, सेफ्टी रूल्स एंड फर्स्ट एड। ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है बट इनको थोड़ा सा डिटेल में हम जानेंगे कि आखिर ये चीज़ें क्या क्या हैं। क्लोथ्स आर वन ऑफ आर बेसिक नीड्स, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हीट, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट बाइट्स। अर्ली पीपल यूज्ड बार्क्स, लीव्स एक्सेट्रा टू कवर देयर बॉडी इन प्लेस ऑफ क्लोथ्स। पहले के लोग क्या यूज़ किया करते, पहले तो क्लोथ नहीं था, लोग नहीं जानते थे, तो ट्री की बाग से, ट्री के लीव से ये सब यूज़ करके वो अपनी बॉडी को कवर किया करते थे। क्लोथ इज़ मेड ऑफ फाइबर्स विच मे बी नेचुरल लाइक कॉटन, जूट, एनिमल फाइबर्स लाइक सिल्क, वूल एंड मैन मेड फाइबर ऑल्सो, जिसको सिंथेटिक कहा जाता है। वी वेयर डिफरेंट क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। कॉटन ईजिली अब्जॉर्ब स्वेट, कॉटन स्वेट को ईजिली अब्जॉर्ब करता है, इसीलिए हम कॉटन क्लोथ्स हम समर में पहना करते हैं गर्मी के टाइम। वुल एंड फर ट्रैप एयर एंड कीप अस वार्म, इसीलिए वुलन क्लोथ्स हम गर्मी में पहनते हैं ताकि एयर अंदर हमारी बॉडी पे ना जा सके और हमारी बॉडी गर्म रहे। दस आर सूटेड फॉर कॉल्ड क्लाइमेट। सी, ये समर क्लोथ्स हैं, ये विंटर क्लोथ्स हैं। विंटर क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ वुल, विंटर क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ फर, फर से, एनिमल के फर से, यानी एनिमल का जो बाल होता है उससे भी बनता है और वुल से भी बनता है। ये वुल भी एक्चुअली एनिमल का बाल ही है ना। वुल क्या है, वुल कहाँ से मिलता है, शिप से मिलता है। उसके बाद हमारा आता है कि ना ट्रेडिशनल ड्रेसेस क्या क्या है। ट्रेडिशनल ड्रेसेस देखिए, जापानीज वुमेन का ये ट्रेडिशनल ड्रेस देखिए, इंडियन वुमेन ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ वेस्ट बंगाल। इंडिया में ही अगर हम देखें ना तो हर एक स्टेट का, कहा जाए तो हर एक स्टेट का ही लगभग एक ट्रेडिशनल ड्रेस है। पंजाब का ट्रेडिशनल ड्रेस है। आर कंट्री एंड कल्चरल ट्रेडिशंस आर डिटरमाइंड आर क्लोथिंग लाइक इंडियन वीमेन वेयर सारीज लाइक सारीज, वाइल जैपनीज वुमेन वेयर किमोनो। जैपनीज वुमेन क्या पहनती है, किमोनो पहनती है, और कोरियन वीमेंस क्या पहनती है, हैंडबुक पहनती है। इन आर कंट्री डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट ट्रेडिशनल स्टेट ड्रेसेस। डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट ट्रेडिशनल स्टेट ड्रेसेस हैं। जितने तरह के स्टेट हैं उतने तरह के अलग अलग ड्रेसेस आपको देखने को मिलेंगे। दीज ड्रेसेस डिपेंड ऑन द क्लाइमेट, ईजिली अवेलेबल फाइबर एंड कल्चरल बिलीव्स ऑफ द कम्युनिटी। ड्रेसेस किस पर डिपेंड करते हैं, ड्रेसेस मेनली डिपेंड करते हैं क्लाइमेट पे, या जो वहाँ पर ईजिली अवेलेबल फाइबर होगा उस पर, या फिर कल्चरल बिलीफ होगा वहाँ के कम्युनिटी का उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि उनकी क्लोथिंग कैसी होगी, उनके पहनावे कैसे होंगे। उसके बाद आता है कुछ क्लोथ्स जो कि प्रोफेशनली हम यूज़ करते हैं, वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, वो क्या है। सम प्रोफेशनल वेयर्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ्स एंड कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम देयर क्लोथ्स। आप कपड़े देखकर ही जान जाएंगे कि ये पायलट है, ये पुलिस है, ये सोल्जर है, ये लॉयर है ना, वो पर्टिकुलर ड्रेस से ही आपको पता चलता है, उनके पास एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड होता है। अ डॉक्टर जनरली वेयर्स अ कोट वाइट इन कलर। एन आर्मी मैन और सोल्जर वेयर्स अ यूनिफॉर्म दैट हैज़ अर्दी कलर and has patterns on it. It keeps the soldiers to blend with the surrounding and remain hidden the trees. देखिए इसके ये कलर का क्या मतलब है कि ये जल्दी से सराउंडिंग में अपनी छुप सके और इसे दुश्मन ना पहचान पाए, इसीलिए इस तरह के कलर्स को, इस तरह के पैटर्न्स को चुना गया ताकि झाड़ी में भी अगर ये लोग छुपेंगे तो दिखेंगे नहीं, इजीली इन्हें कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा। वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आर क्लोथ्स विच इज़ वेरी नेसेसरी। बिल्कुल हमें अपना कपड़े को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, वरना कपड़े ख़राब हो जाएंगे जल्दी। क्लोथ्स लास्ट लॉन्गर इफ़ दे आर क्लीन प्रॉपरली एंड वेन दे गेट डर्टी। सम इंसेक्ट्स कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय आर क्लोथ्स, वी शुड प्रोटेक्ट आर क्लोथ्स फ्रॉम दीज इंसेक्ट्स बाई कीपिंग मॉथ बॉल्स बिटवीन देम।
कुछ इंसेक्ट्स भी होते हैं जो हमारे कपड़ों को ख़राब करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कि इंसेक्ट मारने की दवा होती है वो डाल के रखें, या फिर नीम पत्ते हम कपड़ों के बीच में रख दें ताकि हमारे कपड़े इंसेक्ट्स ना ख़राब कर पाएँ। सेफ्टी रूल्स एंड फर्स्ट एड। अच्छा, कौन से कपड़े इंसेक्ट ख़राब करता है? डेली यूज़ वाले तो नहीं करता, क्योंकि हम लोग उसको रेगुलर निकालते हैं, यूज़ करते हैं। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हम लोग सीज़न में निकालते हैं, जैसे हमारे वुलन कपड़े हैं। वुलन कपड़े हम सिर्फ ठंडी में निकालेंगे, बाकी वो पूरा टाइम अंदर रहेगा, तो उस वो सारे कपड़े ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उन सब कपड़ों के बीच में आप नेप्थिलीन बॉल्स डाल करके, मॉथ बॉल्स डाल करके आप उनको सेव कर सकते हैं। या कभी कभी कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो बहुत महंगी साड़ियाँ होती हैं मम्मीज़ की, या फिर पापा के कोई कोट पैंट वगैरह हैं जो वो सिर्फ कहीं शादी ब्याह में, कोई पार्टी फंक्शन में यूज़ करने वाले हैं, तो वो सारे कपड़े भी ख़राब होने के डर होते हैं। तो उन सब कपड़ों को बचाने की बहुत ज़रूरत होती है। एवरीडे यूज़ वाले कपड़े तो आपके एवरीडे यूज़ हो रहे हैं, एवरीडे धुल रहे हैं, साफ़ सुथरे हो रहे हैं, तो वो गंदे मतलब वो कीड़ों से इफ़ेक्ट नहीं होते, कीड़े उन्हें नहीं ख़राब कर पाते हैं। उसके बाद आता है सेफ्टी रूल्स एंड फर्स्ट एड। सेफ्टी रूल्स आर सम रूल्स दैट कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स। फर्स्ट एड इज़ द फर्स्ट हेल्प यू गिव टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर अराइव। सेफ्टी रूल्स और सेफ्टी कुछ रूल्स क्या करते हैं, हमें कोई भी एक्सीडेंट से बचाते हैं। कोई भी एक्सीडेंट मतलब जैसे रोड एक्सीडेंट हुआ, या फिर सेफ्टी रूल्स क्या एक होता है कि आप सीढ़ियों पर तेज़ ना दौड़ें। अगर आप सीढ़ियों पर तेज़ दौड़ेंगे तो गिर जाएंगे, तो ये आपका एक सेफ्टी रूल हो गया कि दौड़ना नहीं है सीढ़ियों पर तेज़। या फिर कि नाइफ़ और सीज़र वगैरह, कोई भी कोई शार्प ऑब्जेक्ट या कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट अगर आप यूज़ करते हैं, तो उसको किसी बड़े की मदद पे, किसी गार्जियन की हेल्प से ही आप उसको करें, तो ये आपके सेफ्टी रूल्स के अंदर आता है। ये आपके छोटे 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 बड़े एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए होता है। और ओके, फर्स्ट एड क्या है कि फ़र्स्ट हेल्प जो इंजर्ड पर्सन को तुरंत दिया जाए डॉक्टर के आने से पहले, उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चंस। आर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा वाला इनकरेक्ट है ये हमें बताना है। लाइक्रा इज अ सिंथेटिक फाइबर। डार्क कलर्ड क्लोथ शुड बी ड्राइड इन डायरेक्ट सन। वी लाइक टू वेयर डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन विंटर। अर्ली मैन वोर क्लोथ्स मेड ऑफ लीव एंड बार्क लीव्स। देखिए, पहला वाला तो सही है कि लाइक्रा एक सिंथेटिक फाइबर है, मैन मेड फाइबर है वो। वी लाइक टू वेयर डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर। विंटर में हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं कि हीट ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप हो सके और हमारी बॉडी वार्म रहे। और अर्ली मैन पहले लीफ और बार्क से बने हुए कपड़े पहनते थे, लेकिन बी जो ऑप्शन है ना, डार्क कलर क्लोथ शुड बी ड्राइड इन सन, अगर हम लोग डायरेक्ट उसको सन में ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे ना, तो हो सकता है कि कलर उसका फेड हो जाए, उसका कलर ख़राब हो जाए, ऐसा होता है, रंग उड़ जाता है कपड़े का। तो डायरेक्ट सन में हमें कपड़ों को नहीं डालना चाहिए। नंबर टू, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। नायलॉन, सिल्क, वुल, कॉटन। देखिए, ये जो तीनों ऑप्शन हैं, ये तीनों ऑप्शन आपको नेचुरली मिलते हैं, या तो प्लांट से या फिर आपको एनिमल से मिलते हैं, ये तीनों नेचुरली मिलते हैं। लेकिन नायलॉन एक ऐसा फाइबर है जो कि मैन मेड है, सिंथेटिक फाइबर है। कम टू क्वेश्चन नंबर थ्री। The people shown here belongs to the state of। इस तरह के कपड़े कौन पहनता है? ऐसे धोती कुर्ता गमछा रहेगा, और ये इस तरह की साड़ी स्पेशली कौन पहनती है? ये वेस्ट बंगाल के लोग, बंगालीज ऐसे पहनते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बंगाली बी ऑप्शन हमारा सही है, वेस्ट बंगाल। नंबर फोर, सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट ऑन अनस्क्रैम्बलिंग गिव द नेम ऑफ द क्लोथिंग आइटम वोन इन विंटर्स। विंटर्स में हम क्या पहनते हैं? मफलर, स्वेटर, कार्डिगन्स। तो अगर आप इसको अनस्क्रम्बल करेंगे तो यहाँ पे मफलर मिलेगा, इसको अनस्क्रम्बल करेंगे तो स्वेटर मिलेगा, इसको अनस्क्रम्बल करेंगे तो कार्डिगन मिलेगा। तो ये तीनों ही वो कपड़े हैं जो हम विंटर में पहनते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। क्लोथ्स कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट्स बाई प्लेसिंग डैश बिटवीन दैम। अच्छा, क्लोथ्स को अगर हमें इंसेक्ट से बचाना है तो हमें किस तरह से बचाना होगा? ऑरेंज पील्स डाल करके, यानी ऑरेंज के छिलके डाल करके, नीम के लीव्स डाल करके, या कोरिएंडर सीड्स डाल के। तो मैंने अभी आपको बताया था कि नीम लीव्स अगर हम डालें कपड़ों के बीच में तो हमारे कपड़े इंसेक्ट से बचते हैं और कपड़े हमारे अच्छे रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं एंड इंसेक्ट से। नाउ सी क्वेश्चन नंबर फाइव, सॉरी क्वेश्चन फाइव तो हो गया, क्वेश्चन नंबर सिक्स। द ड्रेस शोन इन द पिक्चर इज नोन एज डैश एंड इज अ ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ डैश। ये ट्रेडिशनल ड्रेस कहाँ की है? ये जो कपड़ा है इसे कहते हैं किमोनो। ये किमोनो जापान में पहना जाता है, ऑप्शन नंबर सी, किमोनो जापान।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? वी शुड नॉट लीव टॉयज ऑन द फ्लोर आफ्टर प्लेइंग, बिल्कुल टॉयज हमें कभी नहीं छोड़ने चाहिए, मेस कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा उसको कलेक्ट करके अच्छी जगह रखना चाहिए। वी शुड नॉट मॉप द फ्लोर आफ्टर टेकिंग बाथ, नहाने के बाद हमें क्या फ्लोर को साफ नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है, करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज स्विम इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट, बिल्कुल अगर कोई बच्चा छोटा है तो छोटा बच्चा हमेशा अपने एडल्ट के प्रेजेंस में ही स्विम करे। वी शुड नॉट कंज्यूम एनी मेडिसिन ऑन आर ओन, बिल्कुल भी नहीं, आप नहीं जान पाएंगे कि मेडिसिन की किसका क्या साइड इफ़ेक्ट है और वो आपको हार्म पहुँचा सकती है, इसीलिए हमें खुद से कोई भी मेडिसिन को कंज्यूम नहीं करना है अनलेस एंड अनटिल कोई हमने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कराया हो। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि हमें मॉप करना चाहिए हमेशा फ्लोर को नहाने के बाद। नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है? सिल्वर फिश एंड मॉथ कैन डैमेज द क्लोथ, बिल्कुल कपड़े जो है सिल्वर फिश और मॉथ खराब कर देते हैं। मुंडू इज़ अ सिंगल पीस ऑफ क्लोथ और गारमेंट वोन इन केलरा ऑन द लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी फ्रॉम वेस्ट टू फीट, मुंडू जैसे कि हम यहाँ पर नॉर्थ में लुंगी कहते हैं उसी तरह से मुंडू साउथ में पहना जाता है केरला में स्पेशली, और केरला क्या तमिलनाडु में भी लोग पहनते हैं, साउथ में लोग पहनते हैं मुंडू और इधर यहाँ पर क्या कहा जाता है नॉर्थ में लोग उसे लुंगी के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। मैंगो लीव्स कैन बी पुट इन द फोल्ड्स ऑफ क्लोथ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम देम, नहीं, अभी मैंने कहा था कि नीम लीव्स प्रोटेक्ट करती है, मैंगो लीव्स नहीं करती है। सिल्क क्लोथ शुड बी वॉश्ड विद जेंटल सोप एंड ड्राई क्लीन, यस सिल्क के जो कपड़े होते हैं ना सिल्क क्लोथ्स ये हमेशा जेंटल सोप से आपको वॉश करना चाहिए ताकि कपड़े ख़राब ना हो, ड्राई क्लीन कराने चाहिए। तो 1, 2, 3 यहाँ पे करेक्ट है, तो ऑप्शन देखिए सी ऑप्शन 1, 2 and 3 ओनली, तो यहाँ आप ऑप्शन सी को सेलेक्ट करेंगे कि ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, पीपल वेयर डिफरेंट क्लोथ्स डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट एंड द कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ द प्लेस दे लिव इन, द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ महाराष्ट्र कंसिस्ट ऑफ, महाराष्ट्र का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो वहाँ पर लोग क्या पहनते हैं। आप देखिए पहला ही ऑप्शन जब आप देखेंगे नवारी साड़ी तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ महाराष्ट्र की जो लेडीज़ होती हैं वो स्पेशली नवारी साड़ीज पहनती हैं। धोती कुर्ता वहाँ के जेंट्स पहनते हैं मेन, और वेमेन पहनती हैं नवारी साड़ी, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 10, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस टू आइडेंटिफाई द स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज ऑन विच द पीपल शोन हेयर बिलोंग्स टू, ये देखिए ये कहाँ के लोग हैं, ये है महाराष्ट्र के, नवारी साड़ी है धोती कुर्ता है, ये राजस्थानी हैं, ये कश्मीर के लोग हैं, ये पंजाब के लोग हैं, पंजाबी हैं ये, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र गुजरात जम्मू कश्मीर पंजाब ये करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लोथिंग देख करके आपको पता चल जाएगा कि वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, कॉलम 1 में क्या है, डर्टी क्लोथ्स टाइट क्लोथ्स वॉर्म क्लोथ्स कॉटन क्लोथ्स वाटर प्रूफ क्लोथ्स, अच्छा डर्टी क्लोथ्स से क्या होगा, डर्टी क्लोथ्स क्या करेंगे कैन मेक यू सिक, डर्टी क्लोथ्स हमें सिक कर सकते हैं बिल्कुल, टाइट क्लोथ्स में हमें अनकम्फर्टेबल फील होता है अगर बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं कपड़े तो डर्टी क्लोथ्स का कैन मेक यू सिक, 2 नंबर टाइट क्लोथ मेक यू फील अनकम्फर्टेबल, वॉर्म क्लोथ क्या करती है प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कोल्ड, बिल्कुल हमें कोल्ड से बचाती है, कॉटन क्लोथ मेक यू फील कूल, कॉटन क्लोथ में ठंड अच्छा लगता है मतलब गर्मी नहीं लगती है कूल लगता है, और वाटरप्रूफ क्लोथ्स क्या करता है आपको, वाटरप्रूफ क्लोथ जो प्लास्टिक के क्लोथ्स आप जैसे रेनकोट वगैरह जो आप पहनते हैं वो आपको प्रोटेक्ट करता है सन से। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2, 1, 4, 5, 3 तो ऑप्शन नंबर सी में है 2, 1, 4, 5, 3, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, अप्लाई अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड वाटर ऑन द अफेक्टेड पार्ट, कब हम ऐसा करते हैं बेकिंग सोडा और वाटर का पेस्ट बना करके हम कब लगाते हैं, जब हमें किसी इंसेक्ट ने कहीं पर काट लिया हो, किसी वैस्प ने काट लिया हो, अगर हमें कहीं पर कोई इंसेक्ट ने काटा है तो हम क्या करेंगे वहाँ पर बेकिंग सोडा और पानी का पेस्ट बना करके जल्दी से वहाँ पर लगा लेंगे, ठीक है ये हमारा फर्स्ट एड का पार्ट होगा, उसके बाद हम जा करके डॉक्टर को दिखा सकते हैं, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब किया हुआ मेडिसिन ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस अबाउट द लेडी इन द पिक्चर एंड हर ड्रेस, ये लेडी ने नवारी साड़ी पहनी हुई है, ये लेडी ने जो पहनी है ये नवारी साड़ी पहनी है, ये महाराष्ट्र की है,
She is wearing the same saree as worn by North Indian ladies, but only in a different style. बिल्कुल, इसने एक साड़ी पहनी है जो कि नॉर्थ इंडिया की सारी लेडीज़ पहनती है, लेकिन इनका पहनने का स्टाइल अलग है। ये नवारी साड़ी है। She belongs to a state where native language is Malayalam. नहीं, ये महाराष्ट्र से belong करती है और महाराष्ट्र का native language है मराठी। She belongs to Bhutan, a neighboring country of India. नहीं, ये भूटान से belong नहीं करती, ये इंडियन है। None of these. तो इसका ऑप्शन ए सही है, ये नॉर्थ इंडिया की लेडीज़ इस तरह की साड़ी पहनती हैं, लेकिन इसमें जो पहना हुआ है ये डिफरेंट स्टाइल में पहना हुआ है। नंबर 14. Why do we prefer to wear white or light colored clothes in summer? समर में हम white color clothes क्यों पहनना prefer करते हैं? White color clothes क्या करेंगे? White color के या फिर हम light color के clothes पहनते हैं specially इसलिए ना कि sun से जो heat आ रही है वो reflect हो जाए। Dark color के अगर आप कपड़े पहनते हैं ना तो वो sun की heat को absorb करता है और आपको गर्मी लगती है, लेकिन अगर आप white color के या light color के कपड़े पहनते हैं तो वो sun की rays को reflect कर देता है, हीट को रिफ्लेक्ट करता है और आपकी बॉडी को कूल रखता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही है। 15. भूमि रेड द वेदर फोरकास्ट ऑफ द कमिंग वीक ऑफ जुलाई एज शोन हियर। विच ऑफ दीज आइटम्स विल मोस्ट प्रोबेबली बी यूज्ड बाय हर इन सच वेदर। देखिए, मंडे को है रेनी, ट्यूसडे को भी रेनी, और वेंसडे को है पार्शली क्लाउडी, थर्सडे को है क्लाउडी और फ्राइडे भी है पार्शली क्लाउडी। यानी ये मतलब बारिश की संभावना है या बारिश हो रही है, ऐसा ही सीज़न है। तो बारिश के टाइम हम क्या पहनते हैं? रेनकोट, अम्ब्रेला, गम बूट्स, यही सब यूज़ करते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको इस तरह के ऑप्शंस दिख रहे हैं। यहाँ पर वुलन सॉक्स हैं, वुलन सॉक्स तो हम नहीं पहनेंगे, वुलन ग्लव्स हम नहीं पहनेंगे, स्वेटर हम नहीं पहनेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा एक ही ऑप्शन है जिसमें है रेनकोट, अम्ब्रेला, गम बूट्स। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम आते हैं अचीवर सेक्शन की तरफ, जिसमें आपको मिलेंगे हॉट्स क्वेश्चन, यानी थोड़े से सोचने वाले क्वेश्चंस हैं आपके यहाँ पर, और ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको टाइम लगता है सर्च करने में, आंसर को पता करने में। क्वेश्चन नंबर 16. स्टडी द गिवन वर्ड ग्रीट केयरफुली। हाउ मेनी नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर आर हिडन इन इट। इसमें कितने नेचुरल फाइबर्स हैं और कितने सिंथेटिक फाइबर हैं, पहले हम सारे फाइबर्स को ढूंढ लें। यहाँ पर है, ये देखिए, ये है पॉलिस्टर, और यहाँ पर है, ये देखिए, वूल, और क्या मिल रहा है वूल के बाद, यहाँ पर हमें मिला कॉटन, यहाँ पर है फ्लैक्स, और यहाँ पर है नायलॉन, और कुछ है क्या, और यहाँ पर देखिए सिल्क। और कुछ है क्या? नहीं, और कुछ तो नहीं दिख रहा। वुल, कॉटन, सिल्क, फ्लैक्स। वुल, कॉटन, सिल्क, फ्लैक्स दोनों, चारों नेचुरल है। वुल, कॉटन, सिल्क, फ्लैक्स, तो नेचुरल चार है, यहाँ पे भी चार है, यहाँ पे भी चार है। ओके, उसके बाद आप सिंथेटिक फाइबर में देखिए, सिंथेटिक फाइबर में है पॉलिस्टर और नायलॉन, दो ही हमें मिले, है ना, सिंथेटिक पॉलिस्टर और नायलॉन, तो दो सिंथेटिक और तो यहाँ पर है, दो सिंथेटिक, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको एक ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ में कुछ टेम्परेचर शो किया है और बताया है कि कौन से टेम्परेचर में आप किस तरह के कपड़े पहनेंगे, और आपको बताना है कि करेक्ट वाला ऑप्शन कौन सा होगा। यह देखिए टेम्परेचर, ये आपका ग्राफ है और ये ऑप्शंस हैं। At time A, one should wear a sweatshirt and woolen pants. At the time of P, P में आपका 40 के ऊपर टेम्परेचर है, यानी बहुत गर्मी है, गर्मी में हम वुलन कपड़े पहनते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं पहनते हैं। At time Q, one should wear muffler and woolen gloves. At time Q, Q में टेम्परेचर है मॉडरेट, तो मॉडरेट जब होता है तो हम मॉडरेट में हम नहीं पहनते हैं वुलन कपड़े और मफलर्स नहीं पहनते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ठंड में पहनेंगे ना, जब टेम्परेचर लो होगा तब। एट टाइम आर, वन शुड वेयर शॉर्ट्स एंड कॉटन टी शर्ट्स। देखिए आर है आपका 10 से नीचे टेम्परेचर है इसका, तो जब इतना नीचे टेम्परेचर होता है, एकदम कम टेम्परेचर होता है, तो उस वक्त ठंड लगती है ना, और ठंडी में हम थोड़ी ना कॉटन के टी शर्ट्स पहनेंगे और शॉर्ट्स पहनेंगे, यहाँ पर तो हमें मफलर पहनना है। यानी ये तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट रॉन्ग है, तो हम लिखेंगे नन ऑफ दीज, हम यहाँ पर नन ऑफ दीज को चूज़ करेंगे। उसके बाद ये
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 और 19 आपका इसके ऊपर बेस्ड है, ये ग्रिड के ऊपर। हाँ, ये ग्रिड आप देख लीजिए और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं कि क्या है, फिर हम वर्ड ग्रिड पे आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ वर्ड ग्रिड में ये इसमें क्या क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, सम यूनिफॉर्म्स आर शोन हेयर, द नेम ऑफ द प्रोफेशनल हु वेयर्स वन ऑफ दीज यूनिफॉर्म इज हिडन इन द वर्ड ग्रिड, आइडेंटिफाई द वन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये है डॉक्टर, लॉयर, सोल्जर, पुलिसमैन। अब हमें देखना है कि इनमें से किसका कपड़ा कौन से प्रोफेशन में पहनते हैं, वो प्रोफेशन का नाम है क्या कि नहीं है, हम वर्ड ग्रिड में एक बार सर्च करेंगे। देखिए वर्ड ग्रिड में जब आप इसको देखें अच्छे से तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है सोल्जर, सोल्जर का कपड़ा है ना, सोल्जर का कपड़ा यहाँ, तो हमें सोल्जर का वहाँ पर मिला, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, द मटेरियल यूज टू मेक डैश कैन बी फाउंड इन द वर्ड ग्रिड, मफलर, जैकेट, शर्ट और साड़ी, इसमें से किसका मटेरियल हमें वर्ड ग्रिड में मिलेगा ज़रा देखते हैं। देखिए जब आप वर्ड ग्रिड को देखेंगे ध्यान से तो आपको यहाँ पर मिलेगा लेदर, लेदर, और लेदर से क्या बनते हैं, जैकेट्स बनते हैं, है ना, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, जैकेट। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, टू फिल द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, डैश फाइबर्स डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, डैश एंड डैश वेयर वाइट कोट्स, वाइट कोट कौन पहनते हैं, डॉक्टर पहनता है, नर्स पहनती है, डैश इज़ द नेशनल ड्रेस ऑफ कोरिया, कोरिया का नेशनल ड्रेस है हैंडबुक, तो ऑप्शन में आप देखिए डैश फाइबर डज नॉट, नेचुरल फाइबर तो करता है, सिंथेटिक फाइबर नहीं करता, लेकिन पुलिसमैन वाइट कोट पहनता है क्या, पुलिसमैन वाइट कोट नहीं पहनता, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिंथेटिक कपड़े एब्जॉर्ब नहीं करेगा स्वेट, डॉक्टर और नर्सेस वाइट कोट पहनते हैं, और कोरिया का नेशनल ड्रेस है हैंडबुक, ऑप्शन डी। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 5 जो है मैटर्स एंड मटेरियल्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, यूज़फुल लगती है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी ओलंपियाड की प्रिपरेशन बेस्ट हो सके, और मुझे ज़रूर बताएं कि अगर आप कुछ और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी वीडियोस देखनी है, किस तरह की वीडियोस आप चाहते हैं, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपके लिए वो सारी वीडियोस मैं ला सकूँ। और डिस्क्रिप्शन को चेक करना कभी ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी यूज़फुल बातें लिखी होती हैं, कुछ लिंक्स दिए होते हैं जो शायद आपको इन फ्यूचर यूज़ हो जाए। बाय बाय एंड टेक केयर।